यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सूचना देने के लिए बुलाई गई है। भोजपुर जिला के उद्वर नगर थाना अंतर्गत अवैध देसी राइफल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 21/4/2024 को करीब शाम के 3 बजे गुप्त सूचना मिली कि उद्वर नगर थाना अंतर्गत ग्राम रघुपुर में एक युवक अपने घर में एक अवैध देसी राइफल रखे हुए है और अवैध शराब का कारोबार भी करता है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उद्वर नगर थाना से त्वरित छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठन करके छापेमारी की गई तो छापेमारी पे एक देसी राइफल, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, 32 लीटर महुआ शराब एवं 7,030 रुपये नकद के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उद्वर नगर थाना में कांड संख्या 158/24 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एवं 159/24 बिहार प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम अशोक कुमार, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता का नाम बबन यादव, ग्राम रघुपुर, जिला भोजपुर है। छापेमारी दल का नेतृत्व वहां के SHO इंस्पेक्टर राम कल्याण यादव कर रहे थे और इस दल के बाकी मेंबर उसी थाना में पोस्टेड ऑफिसर्स और जवान हैं। धन्यवाद। भोजपुर पुलिस की टीम ने अवैध शराब कारोबारी को एक देसी राइफल, 4 जिंदा कारतूस व 3 खोखा के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी सदर ASP परिचय कुमार ने प्रेसवार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि भोजपुर पुलिस के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 21 अप्रैल को समय करीब 3 बजे गुप्त सूचना मिली कि उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के रघुपुर में एक व्यक्ति छिपा हुआ है। वह अपने पास एक अवैध देसी राइफल लिए हुए है और वह अवैध शराब का कारोबार करता है। उक्त सूचना के सत्यापन, अवैध हथियार की बरामदगी तथा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव के नेतृत्व में सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार कापरी, उद्वंत नगर थाना के सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस रघुपुर पहुंची और छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति अशोक कुमार, पिता बबन यादव, साकिन रघुपुर, जिला भोजपुर को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी राइफल, 4 जिंदा कारतूस और 3 कोखा बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 32 लीटर महुआ शराब भी बरामद किया, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। Here we create future of your kids by making them learn something new in a very interesting manner that will make your kids learn in a very effective manner. I am Rehan of SN Memorial School and I am the winner of National Science Congress. I got this position by following my teachers and coach instructions and I am very proud that I am the student of SN Memorial School. I am Shivam Singh, a student of SN Memorial School. I am a badminton player. I played a state level championship in Bhagalpur. I achieved the first position in Bhagalpur by the help of my teachers and coach. I am Mindyachal Rai, faculty English, member of SN Memorial International School. We totally work upon language and behavior of students. If you are very much informed and packed with knowledge but without good conduct, it must not be taken for proper study.